वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा रामचरितमानस का बालकांड का पाठ सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो कल तक हमने जाना था राजा को अपने अधीन जानकर। मुनि ने कपट में प्रवीण तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा। तुम मन, वाणी और शरीर से मेरे भक्तों पर योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। तो आगे बात शुरू करते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम्हें परूसहूँ मोई, जान न कोई अन्न सो जोई, जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। उन्हीं तिन के गिर जेवई जो, तब बस होई भूप सुनु हो सो, जाई उपाय रचहु निपुए हु, संबत भरी संकल्प करे हु। वही नहीं, यही नहीं, उनके घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन द्विज सहज सद बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करवी जेवनार। नित्य नए 100,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हही सकल विप बस तोरे, करी हही विप्र होम मक से वार, तेही प्रसंग सहज ही बस दे हे वार। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूं लखाओ, मैं इही वेश न आओ बकाओ, तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणव में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ, मैं इस रूप में भी कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊँगा।
तपबल तेही करी आबू समाना, रखी हूँ इह बरस परवाना। मैं धरी तासु वेशु सुनी राजा, सब विधि तोर समारव काजा। एक्चुअली मैं उस सुर में बोल नहीं पा रही हूँ तभी, इसीलिए मैं सीधे पहले की तरह ही पढ़ रही हूँ, देखूंगी बीच बीच में। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर एक वर्ष तक यहाँ रखूँगा, और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। मैं ये रामचरितमानस का पाठ एक मंदिर के लिए पढ़ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मेरा इसमें साथ देंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइक एंड शेयर करेंगे, और अपने परिवार को और मित्रों को भी कहेंगे शेयर करने के लिए, सो दैट कि ये मेरा चैनल ग्रो करे और मुझे कुछ इनकम हो इससे, और मैं ये मंदिर जो बनवाने का मैंने पढ़ लिया है उसे मैं पूर्ण कर सकूँ। सिर्फ मैं एक ये यूट्यूब चैनल का ही एक माध्यम है मनी अर्न करने का, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। और मैं ये इंडिपेंडेंटली करना चाहती हूँ, मैं किसी के सहयोग से नहीं करना चाहती हूँ, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। ज्ञान इसी बहुत सयन अब कीजिए, मोही तो ही भूप सिंह भूप भेंट दिन तीजे। मैं तब बल तो ही तुरंग समेता, बहुत चेहूँ सोवत ही निकेता। हे राजन रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ, आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं थोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आप आओ सोई वेशु धरी पहचाने हूँ तब मोही, जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावो तो ही। मैं वही वेश धर कर आऊँगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँ तब तुम मुझे पहचान लेना। सयन की न निर्भ आयसु मानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रात अति आई, सो किमि सो सोच अधिकारी। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। थका राजा था, खूब नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तू निश्चर ते आवा, जेही सुकर होई ने पही बुलावा। परम मित्र तापस निपकेरा, जानही सो अति कपट घनेरा। वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेही के सत सुत अरु दस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुरु दे की दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेही खल पाछल बरऊ संभारा, तापस ने मिली मंत्र विचारा। जेहरी पूछे सोई रचेनी, रचेन उपाऊ
भावी बसना जान कछु राऊ। उस दूसरे पिछला व्यार याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी। और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा कुछ भी न समझ सका। ये जिस मंदिर के लिए मैं काज कर रही हूँ उस मंदिर का मैं आपको वीडियो डालती हूँ, आप वो देखिए। रिभु तेजस्वी अकेल अपि लघु करी गणेय नताहु अजहु देत सुख रवि शशि ही सिर अवसेचित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस निब निज सखी निहारी हर्षि मिलेउ उठ भयउ सुखारी मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु दान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई तब राक्षस आनंदित होकर बोला अब साधेहु रिबु सुनहु नरेसा जो तुम कीन मोर उपदेशा परिहरी सोच रहूं तुम्ही सोई बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तुम अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। तुम अब चिंता त्याग सो रहो विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिब मूल बहाई चौथे दिवस मिलव में आई तापस नृपही बहुत परितोषी चला महाकपि अतिरोषी। कुल सहित तो शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महा मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचाए सी छन माज निकेता निपही नारी पही शयन कराई हय ग्रह बाधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु को राजा को घोड़े सही क्षण भर में घर पहुँचा दिया। राजा को रानी के पास सुला कर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयउ बहोरी ले राकेशी गिरी खो महु माया करीमति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे अपने पहाड़ की खो में ला रखा। आबो बिरची उपरोहित रूपा परे उजाई तेही सेज अनूपा जागे उने अनभय बिहाना देखी भवन अति अचरजुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठेउ गमही जेही जान नरानी कानन गयउ बाजी चढ़ते ही पुर नर नारी न जानेउ केही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पाए।
फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गई जाम जुग भुवती आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोत रोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरी ही सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जूसम निर्वही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, निर्वही मति सब कहीं समुझावा। राजा को तीन दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसे समझाकर कह दिए। निप हर्षेऊ पहचानी गुरु, ब्रह्म बस रहा नचेत। बरे तुरत सत सहज बर, विप्र कुटुंब समेत। गुरु का पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म वेश उसे चेत न रहा कि ये तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 100,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। ये मैं बालकांड का पाठ अभी चल रहा है और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये पाठ मेरा पसंद आया होगा। आप मेरा चैनल ये सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और परिवार और मित्रगण को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये पाठ मैं मंदिर बनवाने के लिए कर रही हूँ और उसी का सहयोग चाहती हूँ आपसे, तो आप इसे मेरा सहयोग करें। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक आशा एक नई किरण के साथ। तब तक के लिए राम राम।